वेलकम टू माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये डेकोरेशन है बर्थडे का, जो कि बैलून से किया गया है कम बजट में। देखिए कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है, और टाइम की भी बचत होती है। और अच्छे से देखिए बैलून है पिंक का, ग्रे कलर, और इस तरह डेकोरेट किया गया है। ये देख रहे हैं ना, ये पंखे पर है, फूल की तरह बैलून से बनाया गया है। यहाँ पे देखिए ये ग्रे और पिंक का कॉम्बिनेशन है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये ऊपर के रूप में है, इस तरह डेकोरेट किया गया है। ये और अच्छे से पर्दा वर्दा लगा दीजिए। ये बैलून फुलाने की मशीन आती है, जिससे बैलून बहुत जल्दी फुलाया जा सकता है। यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का वो डाल दीजिए दीवार पे। आ यहाँ देखिए, ये पूरे दीवार पर, रूप पे देखिए, सारे जगह बैलून। बहुत कम समय भी लगता है और बहुत सुंदर लगता है देखने में। देख रहे हैं कितना अच्छा लगा। यहाँ हैप्पी बर्थडे दीवार पे लिखा हुआ है। हाँ देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन है कॉर्नर पे, ये बैलून से। ये मेज है, अच्छे से डेकोरेट करिए, उस पर केक वक रखने के लिए नाइफ हो, और नीचे ज़मीन पे बैलून रंग बिरंगे फैला दिए, इससे फ्लोर भी अच्छा लगता है। ये केक देखिए, जिस हिसाब से एज के हिसाब से केक डेकोरेट करवाइए, इस पर जैसे बेटी या बेटा हो उस पर केक काटने के लिए मेज है। और ये ऊपर देखिए सारे बैलून से सजाया गया है। फोटोग्राफी या वीडियो शूट में बहुत अच्छे से आता है ये। आपको एक दीवार चुन लीजिए जिससे हैप्पी बर्थडे गोल्डन और सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन हो। ये देखिए बर्थडे हो गया। यहाँ भी देखिए डेकोरेशन हो ही रहा है, बैलून लगा रहे सब जगह, दीवार पे, रूप यानी छत पे, रूप माने दीवार ऊपर, सब जगह लगाइए। अच्छे से पर्दा वर्दा लगा दीजिए, पूरे दीवार पे इस तरह डेकोरेट कर दीजिए। कोई एक दीवार को सेलेक्ट करिए, उस पर अच्छे से बैलून कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, जिससे फोटो शूट में या वीडियो रिकॉर्डिंग में अच्छे से आए। ये मेज है, मेज को और अच्छे से डेकोरेट करिए, जिस पर केक वक कटने के लिए नाइफ बैलून सब रख दीजिए उस पर। ये देखिए सब बैलून लगाया गया, सब बैलून से टेबल क्लॉथ वाइट कलर पे ये कॉम्बिनेशन खिल रहा है ना। ये पूरे दीवार पे बैलून से, आपको जो पसंद हो कलर उस हिसाब से, आपके रूम का कलर हो उस हिसाब से बैलून का कलर सेलेक्ट करिए। पर्दे वगैरह अच्छे से लगा दीजिए, मेज अच्छे से डेकोरेट कर दिए। आप और अच्छे से डेकोरेट करना चाहते हो और उस साइड डेकोरेट, ये सिर्फ आइडिया आपको दिया जा रहा है किस तरह से डेकोरेशन किया जा सकता है। ये देखिए ये साइड में बर्थडे के जो दीवार पे लिखा है उसके थोड़ा साइड में रखें, ताकि वहाँ बच्चा खड़ा होकर केक काटे, आप लोग भी खड़े हैं, ताकि बर्थडे का भी आए और ये सेंटर जो मेज है ये भी आपके आए। गोल्डन कलर, वाइट, पिंक, ये केक, अगर आपको इस तरह का केक पसंद हो तो इस तरह, आपकी गुड़िया एक साल की बर्थडे हो तो पहला बर्थडे हो तो इस तरह केक डेकोरेट करिए, आपको जो पसंद हो। ये कैंडल है, नाइफ वगैरह सारे मेज पर इस तरह रख दीजिए।
के और मेज़ सुंदर लगे। सारा सामान इस मेज पर कर करके जब ये सब हो जाए तो गुड़िया या बेटा आपका जो भी हो तो ड्रेस सेलेक्ट करिए कि आपको पहना है। देखिए मेज पर पूरा सामान रखा। यहाँ पर देखिए बैलून, बैलून फुलाने की मशीन होती है, बहुत कम समय फूलता है। अभी अभी आपको दिखा दें, यहाँ पर ये देखिए ये मशीन है, ये देखिए कितना जल्दी फूला। और जब डेकोरेशन का काम कंप्लीट हो जाए तो अपने बच्चे का ड्रेस सेलेक्ट करें कि कौन सा बर्थडे समय केक काटने के समय पहनना है, पहनाना है कौन सा दिन में पहनाना है, दो तीन ड्रेस अपना रख लीजिए। जो बर्थडे केक के समय काटवाने के साथ वो अपना सेलेक्ट करिए, आपको जो पसंद हो, बेटी हो या बेटा हो, उस हिसाब से ड्रेस सेलेक्ट करिए। अब इसके बाद अगर आपके पीछे जो लॉन हो या ग्राउंड हो, पेड़ पौधे पर लाइट लगा दीजिए, ये देखिए थोड़ा सा इस तरह मेज लगवा दीजिए, ये पेड़ पौधों पर देखिए लाइट लगा तो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये लगेगा जैसे बाहर आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में आप कर रहे हैं बर्थडे। और ये घर पे भी है, कम बजट में भी कहीं आना न जाना और अच्छे से डेकोरेट हो गया है और शानदार बर्थडे भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अच्छे से। ये देखिए सारे जो पेड़ पौधे हो, गमला वमला हो, सब पे ये लगा दीजिए लाइट। ये जब वीडियो शूट उट करेंगे तो अच्छे से फोटो आएगी, आपके गेस्ट भी खुश होंगे। ये मेज वेज लगाए हैं, खाने अपना मेनू डिसाइड करके इस पे रखिए। ये देखिए खाना उन्हें लगा दिए, ये देखिए डेकोरेशन। आपको और कुछ भी करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे कम बजट में और अच्छे से ग्रैंड पार्टी लगे। देखिए आपको लग नहीं रहा, ये देखिए सब अच्छे से पर्दा वर्दा अच्छे से लगा हुआ है, ये मेज लगाया है, चेयर चार ट्रक, ये सब अच्छे से बर्थडे पार्टी आपका कंप्लीट। उम्मीद है आपको पसंद होगा, अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।